Hello and welcome to Bollywood Wala. I am Sunup. Friends, I am here with the amazingly talented Ashwath Bhatt. Ashwath ji बहुत कम दिखता है events पर, बहुत कम दिखता है off screen, बहुत कम दिखता है उनको, सिर्फ on screen आपको देखने का मौका मिलता है. और on screen जब आते हैं, जब spotlight पड़ता है इन पर, बहुत ही कमाल के acting करते हैं. इनके acting से लोगों का दिल जीत लेते हैं. अश्वथ जी कैसे? थैंक यू वेरी मच. बहुत बढ़िया, आज मैं दिख गया हूँ. बट सबसे पहली बात तो ये बताइए, इतने कम क्यों दिखते हैं आप? मतलब काम कर लिया और निकल लिया. मतलब मैं उस कल्चर से हूँ जहाँ काम किया और चुपचाप निकल लो. मतलब आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन. बाकी अगर बुलाएंगे तो आ जाता हूँ, ऐसी बात नहीं. देखिए यहाँ पे आया हूँ ना आज. तो पेस्ट्री पार्टीज वगैरह नहीं करते हैं? वेरी रेयरली. यू लेट योर एक्टिंग स्पीक वॉल्यूम्स. हाँ, अगर वो स्पीक कर रही तो मेरे लिए वही चाहिए मुझे. इंडीड करती है. सर, यहाँ पर आप आए कैसी ये डोर नाम के फिल्म को प्रमोट करने के लिए. इस फिल्म में किस तरह का किरदार है आपका, कुछ बता सकते हैं? मैं ज़्यादा तो मतलब डाइवर्स नहीं करना चाहूँगा इस समय. मुझे कहेंगे फिल्म देखनी है लोगों ने, लेकिन हाँ इतना है कि इट्स एन आउट एंड आउट दिस टाइम ए वेरी कनिंग कैरेक्टर, जो मैं बहुत दिनों बाद मुझे करने को मिल रहा है. तो इट्स वेरी कनिंग, एक्सट्रीमली कनिंग, मैं उसे नहीं बोलना चाहूँगा. ओके. तो इनफैक्ट इस कहानी में जो एक ट्विस्ट आता है वो इस कैरेक्टर के कारण आता है. सो आई एम दैट कैरेक्टर हु ब्रिंग्स द ट्विस्ट. ओके. हाँ ओके. सर, यू आर ऑल्सो ट्रेंड इन थिएटर एक्टिंग. जी अब मैं हाँ, मतलब आपको मेरी माँ है. हाँ, आपको स्कॉलरशिप भी मिला था थिएटर में, वो एक स्पेशल स्कॉलरशिप भी आया था. जी हाँ, मैं इनलाइक स्कॉलर हूँ तो इसलिए, और एनएसडी इनलाइक स्कॉलर है, लंदन एकेडमी. तो मैं वो बातें कम करता हूँ. नहीं, मेरा क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट. आप क्योंकि आप थिएटर ट्रेंड हो, आपको लगता है बॉलीवुड आपके उस कला को प्रॉपरली एक्सप्लोर कर पाता है या फिर उसको प्रॉपरली यूज़ कर पाता है? नहीं, अब मैं तो वैसे ही था वोकल हूँ. मेरे कोई भी इंटरव्यू उठा के देखिए, मैं बहुत वोकल हूँ उस बारे में. देखिए, जब तक आप मौका देंगे नहीं किसी को और आप किसी को टाइप कास्ट करते रहेंगे तो फिर आप उसके जो वर्सिलिटी है, वर्सटाइल होने का, वो मौका नहीं मिलेगा. क्योंकि अब मौका मिलता है एक एक्टर को तभी वो कुछ कर पाता है ना. अगर आप एक ही रोल ऑफर करते रहेंगे एक एक्टर को, एक टाइप के रोल एक टाइम के, मैं तो खैर ट्राई कर रहा हूँ अवॉइड करने की बहुत सारे सिमिलर रोल्स, बट इट्स अप टू डायरेक्टर्स हु हियरिंग दिस और द इंडस्ट्री कास्टिंग डायरेक्टर्स. गिव एक्टर्स समथिंग विच दे हैव नॉट डन, जो उन्होंने नहीं किया है, वो ऑडियंस के लिए इंटरेस्टिंग है ना. ऑडियंस को एक आप पुलिस वाला बना दो, एक आर्मी वाला बना दो, एक आप कोई डॉक्टर बना दो, या कोई भी आप किसी एक सर्टन रीजन में डाल दो, तो दैट इज़ समथिंग बोरिंग फॉर ऑडियंस एज वेल. तो मैं कहूँगा कि थिएटर वाला जो है, या जो थिएटर्स ने किया हो, या एक्टर जो भी हो, ट्रेंड है जो भी हो, वो कुछ भी कर सकता है. Okay. तो उसको मौका मिलना चाहिए करने के लिए. बट आपको किस तरह के रोल में टाइप कास्ट किया जाता है इस इंडस्ट्री में? सारे जानते ही हैं. मतलब ऑफकोर्स पीपल टेंड टू नॉर्थ में, या दे विल से पाकिस्तान का कैरेक्टर दे दो, सो या बाकी. सो आई मीन गेटिंग अवे फ्रॉम दैट. अभी मैंने मथुरा का मंडली में, मैंने राम का रोल किया है मंडली में. मथुरा पूरा, मथुरा का डायलेक्ट लिया है, पूरा लिया है. इसमें भी वेरी डिफरेंट, इट्स अ डिफरेंट ऑल टू वेर डिफरेंट रोल. जो भी एक आध दो फिल्में और आ रही हैं उसमें भी बहुत अलग अलग. तो मैं कॉन्शियस चॉइस कर रहा हूँ कि ऐसा करें जो लोगों ने नहीं देखा है. करेक्ट करेक्ट. तो उनको जैसे अभी सरदार का मैंने एक रोल किया अभी रिसेंटली सिख का, तो सो पीपल सडनली समबडी सॉ इट एंड सेड कि आप तो बिल्कुल ही अलग दिख रहे हो उसमें. तो मैंने कहा भाई मौका मिलेगा तो अलग दिखूंगा ना. एब्सोल्युटली. मौका नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे सर. बट ये टाइप कास्टिंग किसकी वजह से होता है? ये डायरेक्टर्स का काम है, कास्टिंग डायरेक्टर्स का काम है. हु कैन बी हेल्ड गिल्टी फॉर दैट? Nobody has been guilty. It's all overall, you know, ask a casting director, he says directors are guilty. Ask a director, he blames casting directors. And बीच में sandwich actor होते हैं. But I would say, I request every casting director, please think out of box. Please, अच्छे actors को मौका दीजिए, चाहे वो senior actors हैं या नए talent हैं. एक ही जगह मत type cast करिए, please, for God's sake. और have faith in actors, उनकी ability पे. अगर actor अच्छा है तो उस पर ट्रस्ट करिए, वो आपको डिलीवर करके देगा. ओके. सर, आने वाले कल में कौन से फिल्म्स में आप दिखाई देंगे? आने वाले में तो अभी डिप्लोमेट आ रही है, बड़ी फिल्म डिप्लोमेट है, जॉन अब्राहम के साथ, उनके साथ है वो. आएगी 12 जनवरी को आ रही है. उसके अलावा एक दो फिल्में और आ रही हैं. क्राइम बीट आ रही है, एक वेब सीरीज आ रही है Z5 पे. तो ये सब आ रहा है अभी. सर, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. डू वेरी वेल. बीन अ बिग एडमायरर ऑफ योर एक्टिंग टैलेंट एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन डिफरेंट रोल्स एज़ वेल. थैंक यू सो मच. कॉन्शियस एफर्ट है, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ इंडस्ट्री को भी. थैंक यू अश्वथ जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. गॉड ब्लेस. थैंक यू.